मायामा के बारे में असल में कोई नहीं जानता कि वो कहां से आई थी, लेकिन उनके नैन नक्श को देखकर लगता था कि वो पूर्वोत्तर राज्यों में कहीं से, या तो नागालैंड या उधर कहीं से आई थी, जहां लोगों के नैन नक्श मंगोलियाई होते हैं। वो तिब्बत की भी हो सकती हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से वो कभी बोलती नहीं थी, है ना? वास्तव में वो कभी नहीं बोली। तो वो कन्याकुमारी शहर में रहती थी, जो दक्षिण भारत के भारतीय प्रायद्वीप के छोर पर है। तो वो सड़कों पर भटकती रहीं, एक भिखारी की तरह हर कहीं घूमती रहीं, मगर एक अलग तरह के गर्व के साथ। वहां के सभी कुत्ते उनके आसपास जमा हो गए और उनके दोस्त बन गए। तो वहां कुत्तों का एक पूरा परिवार खड़ा हो गया। जब भी उन्हें खाने की कोई चीज मिलती, वो उन्हें खिलाती थी, भले वो खुद भूखी हो। तो वो इस हद तक चली गई थी। दक्षिण भारतीय होटलों में कुछ व्यंजन खरीदने के लिए नहीं होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। कुछ व्यंजनों को रेस्तरां के सामने एक कांच के शोकेस में प्रदर्शित किया जाता है, जैसे इडली, आमतौर पर इडली नहीं, वड़ा, कोई मिठाई और लड्डू। यह आमतौर पर किसी शुभ दिन जैसे पूर्णिमा को किया जाता है, वो उस दिन का खास भोजन होता है। तो वो इस हद तक चली जाती थी कि उस खाने को झपट कर कुत्तों के आगे फेंक देती थी। तो कई बार ऐसी घटनाएं भी हुई जहां उन्हें पीटा गया और गालियां दी गईं। तो समाज उनसे कठोर व्यवहार कर रहा था, क्योंकि उन्हें बस एक गैर जिम्मेदार चोर की तरह देखा गया, किसी संत की तरह नहीं, क्योंकि किसी को उनमें संत जैसा कुछ नहीं दिखता था। क्योंकि संत का मतलब है कि उसे खास तरह के कपड़ों में होना चाहिए, उसके माथे पर 3 लकीरें होनी चाहिए और उसे सही चीजें कहनी चाहिए और उसे निर्जीव होना चाहिए। लेकिन वो हिम्मती थी। लेकिन कई बार लोगों ने उन्हें लहरों पर तैरते पाया। वो लहरों के ऊपर तैर रही थी। इस बात ने लोगों को हैरान कर दिया और वो उन्हें थोड़े सम्मान से देखने लगे। बाद में कोई व्यक्ति जो उनसे जुड़ा था, वृद्ध होने पर उन्हें सेलम नाम की जगह पर ले आया और वो अपने देहांत तक वहीं रहीं, वहीं अपना शरीर छोड़ा। अभी एक शानदार जगह है। शानदार मतलब वैसे नहीं, वो बस सीमेंट से बनी एक छोटी सी चीज है, एक छोटा सा घर, मगर वो वाकई बहुत 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 शक्तिशाली है। तो मैं एक छोटे से हिल स्टेशन पर था जो इस जगह के करीब है। वो पूर्णिमा का दिन था, तो कोई इस मायम्मा उनके समाधि की बात कर रहा था और मैंने कई लोगों से उनके बारे में कई बातें सुनी। तो हमने सोचा कि हम कार से वहां चलते हैं, क्योंकि ये पूर्णिमा की शाम है, चलकर देखते हैं। किसी ने आकर बताया कि वहां पूर्णिमा की शाम को कुछ खास होता है। तो जब मैं शाम को 5-5:30 बजे के करीब पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। तो हम अंदर चले गए और एक छोटे से कमरे में बैठे, सिर्फ 10x10 का एक कमरा, जिसमें उनकी एक बड़ी तस्वीर थी। उनके चेहरे पर ज्यादातर तिब्बती महिलाओं की तरह काफी झुर्रियां हैं, लगभग उसी तरह का चेहरा, मगर वो जगह विस्फोटक है। और वहां एक उनका भक्त है। यह आदमी उस समय करीब 50 साल का रहा होगा। उसका चेहरा बिल्कुल मायम्मा की तरह हो गया है। यह आदमी तमिलनाडु का है। उसके नाक नक्श तिब्बती या नेपाली या नागालैंड के लोगों जैसे नहीं हो सकते। वो एक तमिल आदमी है, लेकिन उसका चेहरा लगभग उनके जैसा ही है। उसका चेहरा एकदम उनके चेहरे जैसा हो चुका है। भक्ति से ऐसा हो सकता है। भक्ति हमेशा सबसे तेज मार्ग है, क्योंकि जब आप किसी के प्रति अटूट भावना पैदा करते हैं तो आपके अंदर हर चीज एक दिशा में केंद्रित हो जाती है। बस आपकी भावना नहीं, आपका मन भी पूरी तरह उस पर चला जाता है। आपका भौतिक शरीर भी उसकी ओर मुड़ जाता है, आपकी ऊर्जा भी उसकी ओर मुड़ जाती है। और इसने उसके चेहरे को बिल्कुल उनके चेहरे में बदल दिया। उनके लिए उसका प्यार ऐसा था, और मैंने सोचा कि ये एक अद्भुत आदमी है। भक्ति का मतलब बस यही है, ये एक दिशा में केंद्रित चेतनता है। ये यहां वहां नहीं डोलती, बस एक दिशा में जाती है। इस जीव के अंदर जो कुछ है, जब उसे एक दिशा में डाल दिया जाता है तो चीजें यूं होंगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है। मैं चाहता हूं कि आप मुड़कर देखें। भारत के
आध्यात्मिक इतिहास को। यू विल सी, आप भक्तों को अद्भुत चीजें करते पाएंगे। उनके आसपास होने वाली घटनाएं इतनी चमत्कारी थीं कि किसी को विश्वास नहीं होता था। उनके पास ज्ञान नहीं था, उनके पास कोई दूसरा मंत्र तंत्र नहीं था, एकमात्र चीज थी एक ही दिशा में केंद्रित भक्ति। बस जो चीजें उनके अंदर और उनके आसपास हुई वो कुछ ज्यादा ही चमत्कारी थीं। उनके आसपास अद्भुत चीजें हुई और लाखों लोग सिर्फ उनकी मौजूदगी से ही अभिभूत हो जाते थे। उनके पास सिर्फ एक ही दिशा में केंद्रित भक्ति थी।